MIUI 12.5 सीरीज को हमने अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। हालांकि यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कौन सा डिवाइस है, बिकॉज आपके डिवाइस के लिए यहां पे MIUI 12.5 सीरीज आसानी से मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल मैं अपने डिवाइस के अंदर रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर इसे यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे सारे ही फीचर्स का मजा ले सकते हो जो जो इसके अंदर दिए गए हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको इसका एक छोटा सा रिव्यू देखना होगा, जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि आपके फोन के अंदर क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये फीचर्स अच्छे लगते हैं तो तभी आप अपने फोन के अंदर इसे इंस्टॉल करना। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर गड़बड़ लगता है या फिर आपको नहीं पसंद आया तो आप अपने फोन को यहाँ पे इंस्टॉल मत करना। सबसे पहले गाइज, अगर आप अपने फोन के अंदर MIUI 12.5 सीरीज को इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर इंस्टॉल कर चुके हो या फिर इसके बारे में सोच रहे हो, तो मतलब आपको पता होगा कि इसके अंदर कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप एक छोटा सा वीडियो देख सकते हो जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर सारे ही फीचर्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं और सारा ही आपको लगभग रिव्यू दे दिया है। फिलहाल आपको आइकन्स की बात की है तो आइकन्स पैक बिल्कुल सेम है। वैसे इसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आई है, लेकिन कुछ यार यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है। आपको यहाँ पे कुछ नए एनिमेशन देखने को मिलते हैं जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलते थे। और आप यहाँ पे अपने फोन के अंदर जाओगे अबाउट के अंदर तो आप एक नए लोगो को देख सकते हो। फिलहाल ये लोगो एकदम ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से एकदम यही मिला है तो हम इसे एक बार ऑफिशियल मान सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे इसके एनिमेशन, सिस्टम लॉन्चर वगैरह, कैमरा वगैरह, सब कुछ परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा हो गया है। एंड इसके अंदर काफी बंदों का यह प्रॉब्लम था कि लैग इशू आ रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होम स्क्रीन या फिर वॉलपेपर देख सकते हो, आपका फुल्ली चेंज कर दिया गया है। अभी देखो यार, आपके मन में कौन सा वॉलपेपर आ रहा है, कौन सा आप चूज करना चाहते हो, देखो इंटरफेस चेंज हुआ है। देखो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि पूरा आपका फोन चेंज हो चुका है, लेकिन नहीं, आपके जो इंटरफेस है उसे कस्टमाइज किया गया है। आपके जो इंटरफेस के मतलब जो भी आइकन्स थे, जो भी मतलब लोकेशन था आपके सॉफ्टवेयर का, उसे चेंज किया है, वहाँ पे छोटा किया है, बड़ा किया है, मतलब जो यहाँ पे करना चाहिए था। देखो ज़्यादा कुछ खास नहीं आता है क्योंकि MIUI 12 से 12.5 सीरीज आई है। अभी आपको 12.6 सीरीज भी देखने को मिल सकती है या फिर उसके बाद आपको MIUI 13 पे भी पुश किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपको इसके अंदर वॉलपेपर्स काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको इतना बड़ा अपडेट आया ही है तो आपको इसके अंदर नए नए वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। अभी आपको कोई भी थर्ड पार्टी वॉलपेपर्स करने की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का वॉलपेपर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इसके अंदर लाइव वॉलपेपर से लेकर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और इसके जो भी थीम्स हैं, थीम्स के एप्लीकेशन है, इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है। उसके अलावा बात की जाए इसके आइकन्स की या फिर स्क्रीन रेवोल्यूशंस की, एंड यहाँ पे बात की जाए क्या बोलते हैं साइजेस की, तो यह सब कुछ यहाँ पे डन कर दिया गया है और काफी यूनिक लगता है अगर आप अपने फोन को यूज करते हो। हाँ, पहले से इसका जो परफॉर्मेंस था उसे और भी बढ़ाया गया है, जो कि मुझे स्पेशली काफी अच्छा लगा। एंड मैं अपने इसे रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर यूज कर रहा हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको चाहते हो कि यार कैसे इंस्टॉल करना है, देखो अगर आप चाहते हो अपने फोन के अंदर इसे इंस्टॉल करना, तो देखो हर एक डिवाइस के लिए एक ही मेथड होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि चेंज होगा, 2022 का अलग होगा, 2021 का अलग होगा, कुछ नहीं है गाइस। मैं आपको बताऊंगा मेरे तरीके से करोगे, आपका फोन कभी भी बूटलॉक पे नहीं फंसेगा, आपके फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं, बस आपको यहां पे ध्यान से इस वीडियो को देखना है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन के अंदर इसे इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल देखो मैंने कैमरे का भी यूज कर लिया, कैमरा वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में मिलता है। एंड यहाँ पे कैमरे के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे ही वर्किंग कंडीशन में हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है, देखो यार वीडियो देखने में यार काफी बंदे यही कहते हैं कि वीडियो में तुम दिखा रहे हो, असल में ऐसा नहीं है, तो गाइस देखो मेरे ही लिंक से डाउनलोड करोगे तो सब कुछ आपको वर्किंग मिलेगा जो कि मैंने वीडियो के अंदर दिखा दिया है। तो फिलहाल गाइज, अगर आप लोगों ने इसके फीचर्स के बारे में जान लिया है तो अभी आपके मन में चुल मचेगी कि हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो अगर आपके मन में चुल मची चुकी है इंस्टॉल करने की, तो सबसे पहले देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा। अगर आपको उन लिंक्स के अंदर आपके डिवाइस का नाम आता है तो आप सिंपली अपने डिवाइस के अंदर इसे इंस्टॉल कर लो या फिर कहूँगा तो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके एक फाइल को रख लो, चाहे उसे OTG के अंदर रखो, मेमोरी कार्ड के अंदर रखो या फिर इंटरनल स्टोरेज के अंदर, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपको रिकमेंड तो यही करूँगा कि आप एक OTG ले लो या फिर SD कार्ड के अंदर रखो तो बहुत अच्छा है यार। अदरवाइज आप यहाँ पे फोन के अंदर रखोगे तो फोन यहाँ पे रीसेट वगैरह भी हो सकता है। इससे पहले आपको बैकअप ले लेना होगा अपने फोन का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप मुझे गालियाँ ना दो कि मुझे बताया नहीं, मेरा फोन यहाँ पे रीसेट हो गया वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको अपने फोन के रिकवरी ऑप्शन में जाना है। अभी आप कैसे जाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने फोन के अंदर सिंपली रिकवरी ऑप्शन में चला जाता हूँ पावर बटन को दबाकर। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन से आप अपने फोन के अंदर रिकवरी ऑप्शन में जा सकते हो।
अभी देखो यहाँ पे काफी मतलब मेरे पास अलग टाइप की रिकवरी है, पीच ब्लैक है, अभी आपके पास ऑरेंज फॉक्स होगा, सिंपल नीले वाला होगा, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, आपको एक ध्यान से देना होगा। वाइप में जाने के बाद आपको सभी को सिलेक्ट कर देना होगा, इंटरनल स्टोरेज, एसडी कार्ड और यहाँ पे मेमोरी कार्ड को छोड़कर या फिर ओटीजी को छोड़कर बाकी सबको यहाँ पे टिक करके आपको वाइप कर देना होगा। अगर आपके फ़ोन का यहाँ पे सक्सेसफुली वाइप हो चुका है तो अभी आपको सिंपली अपने फ़ोन का जो मैंने रोम डाउनलोड करवाया है उसे आपको सिंपली पकड़ के इंस्टॉल कर देना होगा। देखो काफ़ी बंदे यहाँ पे जल्दबाजी कर देते हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि आपके फ़ोन यहाँ पे डैमेज भी हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन गाइस देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो आपको भी कुछ नहीं करना है यार, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे करोगे तो वाकई में मतलब आपका जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे वेट करना होगा बिकॉज आपके फ़ोन के अंदर एक नए कस्टम रोम को इंस्टॉल किया जा रहा है और आपको यहाँ पे कोई भी TWRP लगेगा। अभी आप कहोगे कि मुझे आपके डिवाइस का TWRP चाहिए, तो गाइस देखो रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर काफ़ी TWRP आता है, जैसे कि ऑरेंज फॉक्स आता है, पीच ब्लैक आता है, स्काई होक आता है। देखो सभी रिकवरीज अच्छी हैं लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप पीच ब्लैक का इस्तेमाल करो बिकॉज पीच ब्लैक काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कहूँ तो कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है। सब कुछ होने के बाद आपको अपने फ़ोन को सिंपली रिबूट कर देना है। अगर आप अपने फ़ोन को रूट करना चाहते हो तो आप इसके बाद मैजिक्स इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको सिंपली अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। आप देख सकते हो हमारे पास MIUI का लोगो आ चुका है, मतलब समझ लो कि हमारा फ़ोन यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुका है MIUI 12.5 सीरीज़ को। अभी आप इसका फर्स्ट लुक देख सकते हो, फर्स्ट लुक में आपके डिवाइस को यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया तो आपका डिवाइस यहीं पे फंसा रह जाएगा, मतलब अगर आप अपना MIUI का ही वर्जन ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे डिवाइस फंस भी सकता है अगर आपको याद नहीं है। लेकिन अगर आपको सब कुछ याद है तो आपको सिंपली अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन कर लेना है और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि MIUI 12.5 सीरीज का एक नया लोगो आपको देखने को मिला है। अभी देखो अभी आप अपने फ़ोन को सेटअप करोगे तो आपको यहाँ पे एक नए एनिमेशन देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी यूनिक लगते हैं और काफ़ी मतलब यह मन को शांति से मिलती है कि भाई हाँ वाकई में हमने कुछ यहाँ पे इंस्टॉल किया है। हालांकि देखो कुछ यार यहाँ पे प्रीमियम लुक नहीं देखने को मिलती है, कुछ यार यहाँ पे यूनिक ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि यार मतलब UI वगैरह इतना कुछ खास नहीं लगा है। लेकिन गाइज ये जितना भी UI है, जितना भी फिक्स है, ये सब कुछ आपको MIUI 13 के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी आप देख सकते हो आपको यहाँ पे सब कुछ सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको इसका फर्स्ट लुक ऐसा देखने को मिलेगा। अभी कोई बंदा यार यहाँ पे सीधा ही वीडियो को पुश करके मतलब कि वीडियो को आगे करके देखेगा तो उसको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज देखो MIUI 12.5 तो एक नाम था कि इस सीरीज़ को इंस्टॉल करना है, ये सीरीज़ आने वाला है, ये कुछ नया मिलेगा, नया मिला है ऐसा नहीं है, नया कुछ नहीं मिला है। लेकिन भाई यार बस क्या ही बोले, बस आपको जो मिल चुका है वो बहुत अच्छा है एंड मुझे लगता है कि यार काफ़ी अच्छा हो गया है आपका डिवाइस यहाँ पे। बाकी गाइज मेरी ओर से तो मैंने इसे इंस्टॉल करके आपको बता दिया है कि कैसा है, आपको कैसा देखने को मिलेगा। अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो मैंने सब कुछ इसके अंदर बता दिया है, बस आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना होगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। बस आज की वीडियो के अंदर इतना यार, एंड मुझे लगता है कि अभी मुझे जाना चाहिए। चलो यार मिलता हूँ अगले वीडियो।